जय भीम, इस वक्त मैं गुलजारपुर गांव में उपस्थित हूं और मेरे साथ हैं अजीत पासवान जी और सुरेश पासवान जी और राहुल जी। जो जातीय जनगणना बिहार में स्टार्ट हुआ है 7 जनवरी से, सोचिए जातीय जनगणना 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ, महज 4 या 5 दिन हुआ था, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चला गया कि जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगाया जाए। समझ लीजिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों केस जो है, लाखों करोड़ों केस पेंडिंग हुआ है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जातीय जनगणना को रोकने के लिए रिव्यू पिटीशन जो है वो स्वीकार कर लेता है, और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों केस जो है वो पेंडिंग रहता है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं करता है। किस आज जो जातीय जनगणना हो रहा है, कौन वे लोग हैं जिनको पेट में मरोड़ हो रहा है? एक तरफ रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट मांगता है कि भाई, और हाई कोर्ट कहता है कि आप हमको जातीय जनगणना का आधार दीजिए। क्या आधार है, किस आधार पर हम ओबीसी रिजर्वेशन 27% करें, एससी का बढ़ाएं, और ये सब कुछ मांगता नहीं है और कहता है एक तरफ कि नहीं, इस पे हमको जब तक आप डाटा नहीं दीजिएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जातीय जनगणना स्टार्ट हुआ है और बिहार में इसको काफ़ी लोग जो हैं वो फेवर कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि पूरी, जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग, बिहार सरकार जो है गठबंधन की सरकार, उसका साथ देंगे। जी अजीत जी, स्वागत है सबसे पहले चैनल में मेरा। सबसे पहले तो मैं लाइव बुधा चैनल को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ अपने तरफ से कि आपने जातिगत जनगणना के लिए हमसे बात करने के लिए आप अपना समय दिए। और सबसे पहले तो मैं जातिगत जनगणना पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जाति बनाते समय तो पेट में उन लोग का दर्द नहीं हुआ था, जो लोग जाति बनाए थे उस समय तो उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा था कि जाति बना देते हैं, बड़ा छोटा ऊंच नीच बना दिए। लेकिन जब जाति गिनाया जा रहा है तो बहुत, एक तो बहुत बढ़िया हम कहेंगे कि जो महागठबंधन की सरकार है, बिल्कुल एक बहुत बढ़िया विकास वाला ये जो है मैंने फैसला ली है, निर्णय ली है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी उदासीनता ये दिखाई दी कि केंद्र की जो है इसमें रोल नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो जातिगत जनगणना है बिल्कुल सही है, और जाति अभी तक देखा जाए कौन से लोग हैं जो अभी भी कूड़ा साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, चपरासी का काम करते हैं, नौकर का काम करते हैं, बालू ढोने का काम करते हैं, कौन लोग हैं, तो उन लोग की गिनती होनी चाहिए। पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधे, हर चीज़ का गिनती होता है, तो जाति का गिनती क्यों नहीं होना चाहिए? तो यही है कि जातीय जनगणना बिल्कुल सही है और ये होना चाहिए। हाँ, जातीय जनगणना के जो लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से जो बिहार है, बिहार में द्वेष फैलेगा, जब किसी को पता चला कि ये जातियाँ ज़्यादा हो गई, कम जातियाँ पर अटैक करेगी, तमाम तरह के हमला करेगी, तो इस तरह के तर्क दे करके वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जातीय जनगणना इस लिहाज से जो है वो बुरा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो लोग 15% देश में 7% 5% की जिनकी संख्या है, उन्हीं लोग के पेट में दर्द हो रहा है कि हम तो 5% 7% होकर के देश के जितना जो भी व्यवस्था है वो अपने हाथ में किए हुए हैं, जो भी श्रम के संसाधन है, जो भी बड़े बड़े जज है, वकील है, जो भी बड़े बड़े संवैधानिक पद है, वो सारे पदों पे वही लोग बैठे हुए हैं, और इसलिए उनको पेट में दर्द हो रहा है कि हम तो 7% है, हमारा 10% आरक्षण मिल गया है, लेकिन जो ज़्यादा जिनकी संख्या है उनको अगर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितने जाति के हैं, कौन लोग पिछड़े हैं, कौन लोग सबसे निचले पैदान पे अभी भी खड़े हैं। अमृत महोत्सव आपने सुना कि अमृत महोत्सव भी मनाया गया, 75 साल देश की आज़ादी का 75 साल हुआ, अभी 76वां साल चल रहा है, लेकिन इस 75 साल में भी अभी तक कौन लोग हैं जो अभी भी माने दबे कुचले और शोषित वंचित हैं? तो उनका जनगणना होने पर ही पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो अभी भी माने, देखिए, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उनका आज तक विकास नहीं है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हम ये भी मानते हैं कि ये भारत जो देश है एक जाति प्रधान देश है, लोगों को जाति देख करके अपना कृषि प्रधान तो है, लेकिन जाति प्रधान भी, इसमें भी जाति प्रधान है, किसान की भी जाति है, एक तरफ मजदूर किसान है जो खेतों में दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनका देखिएगा कि आज तक घर अच्छा से घर बना नहीं पाए हैं,
जीवन भर उसी में काम करते करते बाप भी काम किए, बेटा भी काम किए, माने पुसुत दर पुसुत चला जा रहा है कि जो पिताजी काम किए वो बेटा काम करता है। तो इसको बदलाव लाने के लिए, इसको विकास की ओर ले जाने के लिए, नौकरी की ओर ले जाने के लिए ये जरूरी है जातिगत जन्म। संसद में अस्थाई समिति को एक रिपोर्ट सौंपा गया कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कि भारत में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 537 जज हैं, जिनमें से 424 जज अपर कास्ट के हैं। मात्र 11% OBC, 2.8% ST, 1% ST है, और उसके अलावा मतलब 79% जो है वो अपर कास्ट के जज भरे हुए हैं। क्या ये अन्याय है जबकि भारत में संविधान लागू है? बिल्कुल न्याय नहीं है, ये बिल्कुल अन्याय है। ये वो कैसे न्याय है? हम लोग की मांग है कि जो भी कॉलेजिएट सिस्टम से जो भी बहालियां होती है, जो भी माने नियुक्ति की जाती है जजों की, उसमें आरक्षण होना चाहिए, तब जा कर के सभी वर्ग के लोग उसमें भाग लेंगे और तब जा कर के न्याय एकदम सुनिश्चित हो पाएगा और सभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। हम लोग का जानते हैं कि हम लोग का जो संविधान है से ही हमें ऐसी आज़ादी अधिकार मिला हुआ है कि हम बोल सकते हैं या मतलब किसी तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं या नौकरी में भी जाते हैं, तो संविधान की ही देन है, आरक्षण की देन है, नहीं तो लोग नहीं नौकरी में जा पाते। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना होना बहुत ही आवश्यक है। जी आपका, पहले आप हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए एक बार। जी मैं सुरेश पासवान, जी मैं जातीय जनगणना का समर्थन करता हूँ। हाँ, जी क्यों जातीय जनगणना का समर्थन करना चाहिए, कोई फैक्ट बताइए। जी जातीय जनगणना से ये क्लियर साफ होकर पता चलेगा कि कौन कितना संख्या में है, उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगा। जी रिपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, सारे तमाम लोग को यह फायदा पहुंचाएगा कि आप कितने परसेंट हैं। जी, तो आप जी, इतने परसेंट आए, आपको उस हिसाब से बजट बनेगा, लाभ मिलेगा, कानून बनेगा और तमाम फायदा पहुंचाने के बाद उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। जी तो आप जातीय जनगणना के पक्ष में? जी मैं समर्थन करता हूँ जातीय जनगणना का। पूर्ण सवाल हो जाता है कि जातीय जनगणना जो है वो बिहार से स्टार्ट हो रहा है और आने वाले 24 में जो है वो लोकसभा चुनाव है, PM तय होगा, तो क्या जातीय जनगणना से BJP डर गई है और इसलिए बौखलाई है कि नहीं भाई जातीय जनगणना अगर हम नहीं कराएं, वो नहीं निगल रही है और नहीं उगल रही है, तो क्या उसके लिए 2024 जो है आने वाला है खतरा का निशान बन सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हमारी मांग यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इस पे वो भाजपा और भाजपा के जो लोग हैं, RSS के जो लोग हैं, जो RSS के लोग सरकार चला रहे हैं, वो लोग इस पे राजी नहीं होते हैं। बहुत से कम ही लोगों के हाथ में, देख रहे हैं कि आप अभी अडानी अंबानी उन्हीं के हाथों में, ये कोरोना काल में आप देखेंगे कि सारे कंपनियां, सारी मतलब जो माने देश की जो संपदा है, संपत्ति है, सारे चीज़ मतलब घाटे में चल गया। लेकिन इनका आय और दोगुना चौगुना पचगुना दसगुना बढ़ता ही गया। कैसे बढ़ता गया भाई? दुनिया का सबसे दूसरा अमीर जो कि 40वें 38वें नंबर पे आते थे, अभी फिलहाल में दूसरे नंबर पे है दुनिया का। तो कहाँ से आ रहा है वो सारे? देखिए RSS का एजेंडा है कि जो भारत का जितने भी संपत्ति है, सारे संपत्ति कुछ अपने चंद मित्रों के हाथों में दे करके देना ही इनका एक एजेंडा है। और सबको गुलाम फिर से बना जी रहे हैं। बिल्कुल, ये गुलाम की ओर ले जा रहे हैं नौजवानों को, खास करके हम आज के नौजवानों को कहेंगे कि आपको आगे आना होगा। आज आप जानते हैं कि राजनीति क्या है? राजनीति में वही जो चोर गुंडा डाकू बदमाश रहता है वही लोग आते हैं राजनीति में। भाई जब ईमानदार लोग नहीं आएंगे, शिक्षित लोग नहीं आएंगे, इसमें भाग नहीं लेंगे, तो कहने का मतलब है कि ये तो पढ़े लिखे लोग IAS अफसर बन जाते हैं, पढ़े लिखे लोग IPS बन जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग नेता नहीं बन पाते हैं, सांसद नहीं बन पाते हैं, विधायक नहीं बन पाते हैं, तो आपका विकास कौन करेगा, कौन आपकी आवाज़ उठाएगा? क्योंकि देखिए सारे ताले का चाबी यहीं पे है, विधायिका जो है कानून बनाती है, तो कानून बनाने में जब आपके लोग नहीं रहेंगे, शिक्षित लोग नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, तो मैंने कहने का मतलब है कि वहीं वाला हाल होगा कि मैंने पढ़े लिखे लोग नौकरियों के लिए मारे चलेंगे और जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मैंने सामंत टाइप के लोग हैं, वहीं राज करेंगे। तो ये जो बात निकल के आ रही है जातीय जनगणना से, ये तमाम लाभ होने वाला है, जिस जातियों का प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल में नहीं है उसको भी जातीय जनगणना अगर सामने आ जाता है
तो उनको इतना हिस्सेदारी देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा पॉलिटिकल में भी और नौकरी में भी, ये बताना चाहते हैं आप लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम लोग कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, सदियों से दबे कुचले लोगों के लिए शैक्षणिक और समाज और आर्थिक स्तर पर ये आरक्षण नहीं है। आर्थिक तो स्थिति कहने का मतलब आपका सुधर जाएगा, लेकिन जो सामाजिक और शैक्षणिक जो माने स्तर है उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब ने आरक्षण हमें दिया है। और अभी आप देखेंगे, आप देखेंगे कि मैंने 10% आरक्षण EWS को दिया गया है, मैंने 66,000 रुपये कमाने वाले लोग को गरीब कहा जा रहा है, केंद्र सरकार मान रही है, केंद्र सरकार 66,000 रुपये जो कमा रहे हैं उसको गरीब मान रही है। तो बताइए ना, हमारे जो दलित वर्ग के लोग हो, जो ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो किसान जाति के लोग हैं, वो लोग का कितना आय है जी? जातीय जनगणना से ये भी तय हो जाएगा कि जो जाति बनाए थे उनकी जाति कितनी है और वो कितने परसेंट संसाधनों पर मलाई खा रहे हैं गड़ूरा मार करके वहाँ पे, ये साफ क्लियर हो जाएगा जातीय जनगणना। जी बिल्कुल, जातीय जनगणना से इस तरह की जो सारी गलतफहमियाँ हैं और जो इनका मैंने कहा जाए कि एक मैंने छुपाने का जो ये मैंने उनका जो मैंने षड्यंत्र है वो सामने सामने आएगा, साफ हो जाएगा, सभी सबको मालूम हो जाएगा कि इस बिहार में कौन कितने माने परसेंट है, कितने संसाधनों पर कितना मतलब संसाधन पे कब्जा किया हुआ है। तो देख सकते हैं मेरे साथ दो पैनलिस्ट थे जो लीडर भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी, अब समाज को दिशा निर्देश भी करते हैं। और जातीय जनगणना पर इन लोगों का घर घर जाकर ये भी प्रस्ताव है कि नहीं, जो भी जातीय जनगणना करने आ रहा है उसको भगाना नहीं है, अच्छे से बैठाना है और अपना नंबरिंग अपना संख्या लिखवाना है ताकि ये रिपोर्ट जो है वो बिहार सरकार के पास जाए और बिहार सरकार इसको डाटा बना करके जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका जो पॉलिटिकल जो पार्टी है उसमें रिप्रेजेंटेशन कम है, ताकि ये रिपोर्ट आने के बाद, जातीय जनगणना होने के बाद तमाम वो जातियों को पॉलिटिकल पार्टी में भी शामिल किया जाए और जो नौकरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें भी शामिल किया जाए। आप जी बोलिए। एक बात और कहेंगे कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना जाति मत छुपाइए, जाति को साफ साफ बताइए कि हम कौन से जाति हैं। और जो भी जिनके घर लोग जनगणना करने के लिए जो शिक्षक लोग को मिला है, बीएलओ लोग का मिला है, वो लोग जाएंगे आपके घर पे तो अलग अलग गृह संख्या डलवाना होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये घर में तो चार लोग पांच लोग अलग हैं, खाना तो बनता है अलग अलग सबका, सब लोग अलग हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि एक में लिखा जाने से फिर जो भी माने आपका जो गिनती है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी और उससे मैंने कहने का मतलब कि एक क्षति होगा आपके समाज का क्षति होगा। इसलिए साफ साफ जो भी है अपना जाति बताइए और जो जितने लोग हैं माने जो अलग हैं वो अपना नाम अंकित दर्ज करवाएं इसमें। तो ये भी सबसे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, जो घर में जितने चूल्हा जल रहे हैं उतना नाम भी लिखवाना जरूरी है ताकि सरकार के पास ये रिपोर्ट जाए और पता चले कि ये घर में कितने परसेंट कितने लोग हैं और कितने फैमिलियाँ रहती हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं शैलेश, मेरे साथ कैमरामैन विनेश, भोजपुर गुलजारपुर बिहार। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।